हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5 और हम जस्ट अभी सो करके उठ रहे हैं और मस्त फ्रेश भी हो गए हैं और अभी फ़िलहाल चल रहे हैं गाइस हम फूल लाने के लिए। और आज एकदम मॉर्निंग टाइम से एकदम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या करें सब आप लोगों को दिखाएंगे। और आज हमारा एग्ज़ाम है ना, इसलिए हम सवेरे भी उठे हुए हैं क्योंकि 10 बजे हमको एग्ज़ाम में जाना है और उसके बाद ट्यूशन से सब, तो सारा काम हमको जल्दी करना होगा। तो फ़िलहाल चलेंगे फूल लाने के लिए। और अभी का मौसम देखिए, हवा तो नहीं चल रहा है और सनराइज़ भी अभी नहीं हुआ है, कुछ देर में हो भी जाएगा। तो अभी का हमारा काम है फूल लाने का, जाते हैं फटाफट फूल लेकर आएंगे, फिर इसके बाद खेत जाना है, खेत आकर के फिर कहाँ कहाँ जाएंगे सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं फटाफट फूल लेने के लिए। तो फिलहाल फूल लेने के लिए हम ये ब्लैक कलर का पन्नी ले लिए हैं और फिलहाल चल रहे हैं हम शिव मंदिर। वहाँ पे 2 गाँच है, वो पीला कंडेल हो गया और वाइट वाला फूल, वहाँ से हमको 2 फूल मिल जाएगा। और उसके लौटते वक्त हमको और एक फूल लेना है, क्या तो उसको बोलता है आँख वाला फूल उसको। और एक जगह से 1 का फूल ले लेना है। और ये देखिए सब बालू में कैसे खेल रहा है, बालू खाली नज़र आ जाए ऐसा को खेलना स्टार्ट हो जाता है, पूरे बालू छीट देता है कुत्ता सब, इसीलिए लोग भगाते रहता है कुत्ता सब। यही मंदिर है गाइस, शंकर भगवान का मंदिर है और इसमें फूल गाँच लगाया हुआ, ये हो गया और पीछे कंडेल। तो फटाफट तोड़ते हैं, वैसे फूल तो नज़र नहीं आ रहा है, अंदर छिपा होगा, उधर से तोड़ते हैं। तो फिलहाल गाइस काम भर फूल तो मिल गया है, आज फूल कम होने का कारण आज वट सावित्री है ना, इसीलिए सब लोग मॉर्निंग टाइम ही आकर के फूल तोड़ दिए हैं, नहीं तो पूरे फूल नज़र आता है ऊपर वाइट वाइट। आज हमको गाँच पर चढ़ना पड़ा, बिना गाँच पर चढ़े तोड़ लेते थे, उस साइड जाते थे आराम से तोड़ लेते थे। आज वट सावित्री है दादी ना, यही से ज़्यादा फूल टूटल हुआ। तो चलिए काफ़ी है, अब चलते हैं 1 का फूल थोड़ा सा ले लेंगे, फिर इसके बाद घर। हर हर महादेव, ये देखिए काफ़ी मस्त पेंटिंग, यही हो गया 1 का फूल। तो फटाफट इसमें से तोड़ते हैं। तो फिलहाल मम्मी रखी हुई है ये रोड धोने के लिए। मम्मी आज फूल कम मिलल गे। अब चलते हैं खेत मूंग रोपने के लिए। फिलहाल मूंग को इस पन्नी में ले लिए हैं और कल कितना रोपे हैं वो भी चल के आप लोग को दिखाते हैं। खेत में सारा कांटा सब बिखरा पड़ा है, झाड़ी उड़ी सब, क्योंकि इधर घिरा गया है ना, सिर्फ ये बचा हुआ है इसीलिए सब है। और आज हम अकेले आए हुए हैं, वैसे आज तो खेत भींगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सूख गया है, फिर भी इसमें हो जाएगा। आप लोग दिखाते हैं कल कहाँ कहाँ, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी प्रकार करके वहाँ तक ले हम लोग खेत में रोपे हुए हैं, इधर इधर, तो और भी उधर कुछ बच गया था उधर रोपते हैं। तो गाइस फ़िलहाल हम जल्दीबाजी में घर से खुरपी लाने भूल गए थे, तो कैसे रोपेंगे, तो फिलहाल बगल से ये खंती लेकर आए हुए हैं, इसी से रोपेंगे। बस ऐसे करके गड्ढा खोदेंगे और बीच में करके एक एक मूंग डालते चलेंगे, खुरपी लाने भूल गए तो क्या करें। और अभी घर जाएंगे तो फिर डांट सुनने मिलेगा, कहेंगे तुम गया क्या करने खेत, खुरपी नहीं ले गया तो। तो फटाफट इसी से रोकते हैं। तो चलिए गाइस कुछ दूर तक ले मूंग तो रोक लिए हैं, अब चलते हैं घर। हाँ तो ठीक, तो गाइस फिलहाल घर आ गए हैं और नहा करके भी रेडी हो गए हैं और फिलहाल गए थे हम ये एक पेपर निकलवाने के लिए, मीट कार्ड है। और फिलहाल बन रहा है नाश्ता, रोटी बन गया, सिर्फ भिंडी का भुजिया बनेगा। तब तक हम चलते हैं ट्यूशन। तो गाइस फिलहाल हमारा ट्यूशन तो बंद है, आज भी हम भूल गए मैसेज चेक करने के लिए, पता नहीं हमको याद ही नहीं रहता, लेकिन हमारे सर हम लोग से ज़्यादा सरे छुट्टी मार लेते हैं। तो अब चलते हैं गाइस घर। मोबाइल हमारा चार्ज नहीं था, मोबाइल लेकर के आ गए थे क्योंकि प्रोजेक्ट था बनाने के लिए ना, इसीलिए मोबाइल ले आए थे। खैर चलिए बढ़िया हुआ, लेकिन मैसेज ध्यान कैसे नहीं देते, भूल जाते हैं हम, आज भी हबर दबर में भूल गए, लेकिन कल बताए थे सर, उनको याद नहीं रहा और मैसेज भी चेक नहीं किए। तो फाइनली घर आ गए,
ट्यूशन बंद रहेगी पता ना रहे कल बतैले रहे मास्टर आप मैसेज आई रहे मैसेजों ना देखनी हम साग बनाते रहे ना। तो गाइस फिलहाल टाइम हो गया है 9 और नाश्ता मम्मी निकाल दिए। नाश्ता में भिंडी का भुजिया और रोटी, तो फटाफट नाश्ता करते हैं और जाने में भी हमको लेट लगेगा ना, इसीलिए थोड़ा सवेरे चल रहे हैं और आज फर्स्ट डे है तो खोजना भी पड़ता है, तो फटाफट नाश्ता करते हैं। तो गाइस फिलहाल हम अपने मार्केट से आगे निकल गए हैं और हम चल रहे हैं बारकोप कॉलेज और हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले चल रहे हैं। हमारा फ्रेंड अभी सेमेस्टर 1 में ही है और हमारा 5 है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं कॉलेज और अपना साइकिल को यहां लगा दिए हैं, तो अब चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस हमारा एग्ज़ाम हो गया है और अभी फ़िलहाल बच गया है 1 और हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल गए हैं, अब चलते हैं घर। देख ही रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है योगिनी स्थान के रास्ते में और आज वट सावित्री है ना, इसके लेकर के और ज़्यादा भीड़ है। सभी कोई पूजा करने के लिए आई है माता योगिनी का और वट सावित्री है, तो बरगद का वृक्ष का पूजा किया जाता है इसीलिए और ज़्यादा भीड़ है। देखिए इधर, तो फिलहाल हम मेन रोड में आ गए हैं, अब यहाँ से आराम से चलेंगे, भीड़ उड़ नहीं बैठाएगा। और लेफ्ट साइड देखिए इधर काम हो रहा है, बताया था ना आप लोग को हाईवे में, तो देखिए कितना ज़्यादा इधर हाईवे के लिए तैयारी हो रहा है। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए, पूरा पसीना पसीना हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है साइकिल चला करके और धूप भी बहुत किया है ना, एकदम हाथ से पसीना पसीना हो गया। तो फटाफट फेस वेस धोते हैं, पैर गोड़ हाथ सब चीज़ धोते हैं और अभी लाइन भी नहीं है ना कि ठंडा पानी मिलता और पंखा भी चला लेते, कुछ नहीं है लाइन। फिर भी हमारा टंकी का पानी अच्छा है क्योंकि छांव में रहता है ना, इसीलिए। फिलहाल हम लोग खा रहे हैं दोपहर का खाना, दोपहर के खाना में है साग चावल और बरी का सब्जी, आलू वाला बरी है। तो गाइस फिलहाल हो गया है शाम और दोपहर के खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा सो गए थे और अभी फिलहाल जस्ट सो के उठे हुए हैं और अभी चल रहे हैं गाइस हम मार्केट सब्जी लाने के लिए। तो फिलहाल हम अपना साइकिल को यहाँ साइड में लगा दिए हैं, तो अब फटाफट चलते हैं हटिया करते हैं सब्जी लेते हैं। आलू चुनने के बाद हमारा हाथ पूरा गंदा हो गया है, हमने अपने लिए आलू तो चुन लिया है डलिया में, अब इसको नपाना है सिर्फ। तो फाइनली हमारा सब्जी का खरीदारी हो गया, कद्दू हो गया, ये बोड़ा हो गया, आलू हो गया, मर्चा उर्चा सब चीज़ ले लिए हैं, तो अब चलते हैं हम घर। तो हम चल रहे हैं गली तरफ से अपने घर। तो फाइनली गए सब्जी लेकर के तो आ गए हैं घर और फिलहाल चलते हैं फटाफट वीडियो को एडिट करेंगे। कल से हमारा ब्लॉग एकदम टाइम पर अपलोड हो रहा है, शाम में 8 बजे, मतलब रात को 8 बजे, तो फिलहाल चलते हैं फटाफट एडिट करेंगे। और बताइए वो सब्ज़ी हमारा 80 रुपये का, इतना महंगाई भर गया कि वो छोटा सा झोला भी नहीं भरा, पहले लेकर जाते थे 50 रुपये में पूरा झोला भर जाता था। तो फाइनली गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर रहेंगे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट में, जय हिंद।